हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं एक मंदिर में आया हूँ माता रानी के, तो यहाँ का आपको सारा व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर पंडित जी का निवास स्थान है, यहाँ पर पंडित जी का घर है, यहाँ पंडित जी रहते हैं मंदिर के। और यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पूरा मंदिर बना हुआ है। मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पूरा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर पूरे इस बड़े एरिया में। अब आपको थोड़ा उधर की तरफ लेकर चलता हूँ। यहाँ पर ये पार्किंग है, यहाँ पर हमारी ये कार है और यहाँ ये दूसरी कार खड़ी हुई है। यहाँ पर कुछ पौधे लगाए हुए हैं और यहाँ इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये नलका लगा हुआ है, ये है नलका। और इस तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। यहाँ पर ये तीर्थ है, ये आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ तक। ये देखिए, ये पूरा बड़ा यहाँ पर एरिया ले रखा है इसका, और ये बहुत गहरा है, इसमें मछलियाँ भी हैं और ये पूरा ऐसे भरा रहता है। यहाँ पर हमने स्नान कर और फिर हम वहाँ अंदर पूजा के लिए गए थे, और अभी हम पूजा करेंगे तो उसकी भी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम पीछे की तरफ मुड़ते हैं थोड़ा और देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए, ये शायद कबूतरों को दाना डालने के लिए ये एरिया, और उसके बाद अभी चलते हैं आगे अंदर। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ वो मेरे पापा जी और दादा जी हैं, तो यहाँ पर, और ये पंडित जी हैं यहाँ पर। और मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये माता रानी का दरबार बना हुआ है, माता रानी का। और जैसे कि यहाँ पर ये अभी पूजा कर रहे हैं, तो थोड़ा उधर देखते हैं। यहाँ पर भी मैं आपको ये दिखाई देता हूँ, यहाँ पर भी ये बना हुआ है राधा कृष्ण का। और इधर की तरफ चलते हैं तो इधर इस तरफ भी हनुमान जी का बना हुआ है। यहाँ पर अभी पूजा कर रहे हैं, इस वजह से मैं आपको अंदर से दिखा नहीं पा रहा, पर यहाँ ये हनुमान जी का दरबार बना हुआ है इस तरफ। और इधर चलते हो तो ये मंदिर के पीछे का एरिया है, मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये मंदिर के पीछे का एरिया है। और अभी और यहाँ पर ये खुला एरिया है, यहाँ पर भंडारा लगता है जब जैसे लगना होता है यहाँ पर। और ये पूरी ये परिक्रमा का एरिया दे रखा है यहाँ पर। यहाँ से
यहाँ तक, और यहाँ पर भी ये दरबार बना हुआ है। और यहाँ ऊपर ये ओम लगा रखा है। अभी ठीक बात है। अभी यहाँ सामने से भी दिखा देते हैं आपको कि किस तरह ये बना हुआ है। ये देखिए, यहाँ पूरा दिखा देता हूँ। ये पूरा एरिया तीर्थ का है। और अंदर यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर ये एरिया है जहाँ पर ये कपड़े वगैरह रख लेते हैं जब नहाते हैं तो तीर्थ में। और इस तरफ भी बना हुआ है। और पार्किंग के लिए यहाँ से भी जा सकते हैं, इन सीढ़ियों से भी। यहाँ भी जगह दे रखी है। और अभी मैं आपको मंदिर के बाहर ले चलता हूँ। ये यहाँ मंदिर की एग्जिट है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पूरा गेट बना हुआ है मंदिर का। ऊपर ये कृष्ण जी की लगी हुई है मूर्ति। और अभी अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर ये डॉगी सो रहा है। चलो इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अंदर चलते हैं। और यहाँ दोबारा हम मंदिर में आ गए हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पर ये बड़ा सा पेड़ उग रखा है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगे हुए हैं। और मैंने आपको यहाँ का एरिया दिखाया नहीं है, मैं एक बार यहाँ भी आ जाता हूँ। यहाँ पर भी ये थोड़ी सी स्पेस है। और यहाँ पर ये रूम है, यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप दरबार देखेंगे तो यहाँ से भी दिखेगा। और इसके यहाँ पर भी कोई बात नहीं।
अरे प्रसाद ले लो, भाई अच्छा हुआ दे रहे हम। और नीचे लगा दे, ऊपर लगा दे, ऊपर कैसे लगेगी, ऊपर आ जा, पाड़ लगा दे। जी प्रसाद दे दे ले।